हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है चेजिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मेजर लॉसेस, दैट इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन फ्लो थ्रू पाइप्स। देखिए, पाइप में जब फ्लो होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन एक बड़ा फैक्टर आ जाता है कि फ्रिक्शन होगा, उसके कारण हेड लॉस होगा ही होगा, ठीक है, उसको रोकना मतलब इम्पॉसिबल है, उसमें होगा। हम कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला था जो कि डार्सी विसबेक इक्वेशन है, जो कि मैंने पहले करवाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा है चेजिस फॉर्मूला। इन दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चेजिस फॉर्मूले को समझते हैं कि ये चेजी फॉर्मूला क्या कहता है। तो चेजिस फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू सी रूट एम आई। ये है फॉर्मूला हमारे पास, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं तो सी हमारे पास जो है वो है चेजिस कांस्टेंट, ठीक है। तो सियाने भाई अपने नाम बनाने के लिए, ठीक है, तो कोई ना कोई इतना उसने बंदे ने बलिदान दिया, इतना टाइम दिया है, अपनी फैमिली छोड़ सब कुछ छोड़ा ना, तो ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई कांस्टेंट उनका मिलता है तो उन्हें अपना नाम देना बड़ा मजा आएगा, तो इसलिए ये उनका नाम बन गया, ठीक है। अब रमेश, सुरेश, ठीक है, कोई रहीम, कोई ऐसा करता तो वो नाम आता, लेकिन क्या करें, हम आपस में लड़ने में बिजी हैं, इन नामों में हमारे नहीं आते हमारे नाम, ठीक है, आपस में लड़ना भी तो है। तो यहाँ चेजी नहीं लड़, ये साइंस पे ध्यान दे रहा है, तो इसका आ गया नाम एम। अब एम क्या है, एम है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ये क्या चीज है, देखिए जब पानी फ्लो करता है, चाहे पाइप है चाहे कोई कोई भी शेप की है, तो हमारे पास उस चैनल के हमें मीन डेप्थ लेनी होती है कि किस हिसाब से वो फ्लो हो रहा है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो अभी आपको मैं पूरा क्लियर कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई। आई क्या है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्लोप, हाइड्रोलिक स्लोप क्या वो भी आपको। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। तो हमारे पास क्या क्या समझने वाला है, इसमें हमें समझने वाला है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है और हाइड्रोलिक स्लोप क्या है। अगर हम ये पता लग जाता है तो इजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो एम क्या है हमारे पास, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपने जब निकालना है तो वो फॉर्मूला लिखा, देखे कोई पाइप है, पाइप में पानी फ्लो हो रहा है और पूरा पानी उसमें फिल है, पूरा ये मान लेते हैं कि उसमें पूरा पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ऐसा है तो हमने क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ पाइप, पाइप का जो भी एरिया होगा जिस भी शेप की होगी, और उसका कितना पैरामीटर भीग रहा है, जैसे क्या कहेंगे हम कि वेक्टेड पैरामीटर, कितना पैरामीटर भीग रहा है। अगर देखिए पूरा फिल हुआ है तो पूरा भीग रहा है ना, अगर ये हाफ भरा होता तो इतना भरा होता तो सिर्फ इतना ही पैरामीटर मेरा भीगता, बाकी तो खाली रहता ना। वेटेड पैरामीटर, इंग्लिश बड़ी जबरदस्त चीज है इस मामले में, वेटेड गिल्ली गीला पैरामीटर, तो इतना ही गीला हुआ है, इतना गीला हुआ है, ठीक है, भीगा कितना है इतना। तो अगर इतना भीगा है तो उतना लेते हैं, लेकिन हमारे पास पूरा भीगा तो हम पूरा ले सकते हैं, तो हमारे पास नीचे जो आएगा वो आएगा वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, समझिए। तो एरिया क्या है पाइप का, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर है, और ये वेटेड पैरामीटर सर्कल है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, टू पाई आर, टू पाई आर, आर इंटू टू क्या हो गया डी, तो पाई डी बन जाएगा फॉर्मूला। तो हमारे पास पाई पाई और कैंसिल हो रहा है, ये डी से एक डी कैंसिल हो रहा है, तो रह क्या गया डी बाय फोर। तो हमारे पास पता लग गया कि ये डी बाय फोर है, ठीक है। दूसरी तरफ एक था हमारे पास आई, आई क्या था हमारे पास, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्लोप, स्लोप इसको समझ लो। देखिए पाइप है हमारे पास, ये पानी फ्लो हो रहा है इसमें, कोई एक नंबर वन पॉइंट है, नंबर टू पॉइंट है, वन टू। तो इसमें अगर मैं देखूं तो बर्नौली ये कहता है कि वन पॉइंट पे जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी टू पॉइंट पे भी होगी, वो ये कहता है कि एनर्जी लॉस नहीं होगा,
लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। वन से अगर चली है तो वो टू पे जाके एनर्जी कम होगी ही होगी, ठीक है, तो उसकी टू पे एनर्जी कम होगी होगी जो मर्जी कर लो, तो वो क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक पीजोमीटर, यहां पे पीजोमीटर या यहां पे लगाता हूं। अगर मैं पीजोमीटर लगाता हूं तो यहां पे हाइट राइज करेगा, देखो हाइट राइज करेगा, जो कि प्रेशर बताएगा उसका, प्रेशर एनर्जी बताएगा, यहां पे जाके थोड़ा सा कम हो जाएगी प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पे अगर कम होगी, हमें क्या पता करना है कि ये यहां से यहां एनर्जी कम हुई, क्यों हुई, कारण क्या था उसका, कारण था फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हो रहा था, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा था, हेड लॉस हो रहा था। अगर मुझे पर मीटर पता लग जाए या पर किलोमीटर पता लग जाए कि इतना हेड लॉस हो रहा है, मैं कहता हूं मान लो कि मैं यहां से चला तो 100 जूल की एनर्जी थी मेरे पास, 10 किलोमीटर जाने के बाद वो एनर्जी कम होगी, 50% रहेगी, तो 20 किलोमीटर जाने के बाद वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, मतलब अब मुझे दोबारा से पंप को, यहां सॉरी पाइप जो पानी है उसको पंप लगाना पड़ेगा, मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, समझो। तो जैसे जैसे वो एनर्जी कम हो रही है, मुझे चाहिए कि एनर्जी पर मीटर कितनी खत्म हो रही है, तो ये एक स्लोप बन जाएगा मेरे भाई, ये देखो ये एक स्लोप बन जाएगा, और ये अगर सीधा रहता, अगर रहता यहां पे भी उतनी ही एनर्जी होती। अब बर्नौली यही कहता है, वन पे भी इतनी एनर्जी है, टू पे भी एनर्जी है, लेकिन ये तो कम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हेड लॉस, ये इतना क्या है, हेड लॉस, ठीक है, ये हेड लॉस है। और पर मीटर मुझे पता लग जाए, अगर देखो ये तो ए यहां से लेके लेंथ ले लूं मैं एल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये, अगर ये एंगल मुझे थीटा हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, मैं एक बार साइड पे अगर बना लूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने क्या लगेगा, एच एल, और ये क्या है, एल, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट थीटा, तो एच एल बाई एल, तो मेरे पास टेंजेंट थीटा बन जाएगा, टेंजेंट थीटा बन जाएगा एच एल बाई एल, और टेंजेंट थीटा को हम क्या कहेंगे, आई, हाइड्रोलिक स्लोप, एच एल बाई एल, बात समझ आ रही है, इतनी सी है, कोई ज्यादा नहीं है। अब ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम यहां पे रख लेते हैं, तो V इज इक्वल टू C, ठीक है, रूट M, M मैंने निकाल लिया, D बाई फोर पहले ही निकाल चुका हूं, I, I आ चुका है, एच एल बाई एल ये आ चुका है, स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ अगर, ठीक है, स्क्वायर करता हूं यहां स्क्वायर, V स्क्वायर C स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, ठीक है, D बाई फोर और एच एल बाई एल, क्या करेंगे, एच एल को एक साइड, बाकी सारे को एक साइड ले देंगे बस, ठीक है, एच एल एक साइड रख लेंगे, इस साइड रखना, इस साइड रख लो, बाकी सारा कुछ ऐसे ले लो, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, फोर एल ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, तो एच एल आ जाएगा, है एच एल क्या होगा, एच एल फोर एल वी स्क्वायर बाय डी सी स्क्वायर, लीजिए ये है हेड लॉस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू चेजी, तो चेजी ये समझाता है हमें, ठीक है, इजी होती हैं चीजें, लेकिन हमें बुक में थोड़ा सा गाइड करने वाला कोई मिल जाए तो, ठीक है, और जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, मुझे भी हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज मेरी वीडियो को कहीं ना कहीं आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, ट्विटर पे, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, एक बार जरूर शेयर करें अगर आपको पसंद आई वीडियो, हाँ अगर नहीं आई पसंद तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी है या नहीं है, ठीक है, थैंक यू सो मच।